महाराज, युद्ध भूमि का नक्शा तैयार है, एक बार देख लीजिए। शुद्धिपुरम के राजमहल में महाराज विजय के पास एक सिपाही नक्शा लेकर आया। पिछले 15 दिन विजय ने राम के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी में कोई कसर नहीं रखी थी। विजय ने पर्सनली सारी डिटेल्स पर ध्यान दिया था। विजय ने भले ही पेरुमल की सत्ता हथिया ली थी, लेकिन विजय था तो काफी काबिल सेनापति, युद्ध की स्ट्रेटेजी का उस्ताद था। पेरुमल के पास निर्वाण शक्ति थी तो विजय के पास बुद्धिमत्ता। सिपाही ने विजय को कहा, हम भी कम शक्तिशाली नहीं है, समझे? विजय ने उसके सिपाही को कहा, तभी दूसरा सिपाही भागते भागते आया। महाराज, महाराज! सिपाही हांफ रहा था। नंबूदिरी से खबरी आया है। इस तरह विजय को भी पता चल गया कि राम राजशेखर युद्ध की एक रात पहले अपनी कुटिया से गायब हो गया था। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। भोर होने को आई लेकिन राम का कोई नामो निशान नहीं। खबरी ने विजय को कहा। विजय अट्टहास करने लगा। बड़ा फट्टू था ये राम राजशेखर तो। अपने सिपाही को मारने भेजा तो लड़ने के बजाय वो उड़ के भाग गया, और अब ये? विजय हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ये राम राजशेखर तो उसके लिए चांदी की खान निकला, चांदी की नहीं, अपराजित पत्थर की खान। विजय ने खुद की बात सुधारते हुए तुरंत अपनी वॉर की स्ट्रेटेजी बदली। अब विजय कल सुबह वैकुंठ विला पे हमला बोल के उनकी जमीन, उनका घर और उनकी अपराजित पत्थर की खान छीनने वाला था। उन लोगों ने भी तो छीनी ही थी, हम बस वापस ले रहे हैं, विजय ने कहा। पेरुमल ने नोनू परनायक परिवार को यह वादा किया था कि वैकुंठ विला राजशेखरों से छीन कर उन्हें दे देंगे, लेकिन विजय का ऐसा कोई प्लान नहीं था। उसे तो वैकुंठ विला और अपराजित पत्थर की खान अपने पास ही रखनी थी। क्या बकवास कर रहे हो? भोर होते ही भास्कर, कार्तिक और बलराम राजशेखर के पास खबर आई कि राम गायब था। कृष्णन और नंबूदिरी के लोगों ने उसे पूरी रात ढूंढा था। तो मतलब अब शाही परिवार के सामने जंग नहीं होगी। बलराम खुश हो गया था। बलराम पहले से इस युद्ध के खिलाफ था, क्योंकि विजय या पेरुमल शक्तिशाली हो ना हो, शाही परिवार काफी शक्तिशाली था। उनके पास ऐसे ऐसे शस्त्र थे कि राजशेखरों की पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकते थे। लेकिन भास्कर को यह बात ठीक नहीं लगी। राम वैसा नहीं था जो युद्ध से डर कर भागे। कृष्णन, मुझे लगता है आपको वैकुंठ विला वापस जाना चाहिए, मालिक ने कृष्णन से कहा। कृष्णन अपना सर पकड़े राम की खाली कुटिया में बैठा था। नशीले असुर के इलाकों में भी खबरी भेजा गया था, लेकिन राम वहां भी नहीं था। क्या, राम को लिए बिना मैं किस मुंह से वापस जाऊं? कृष्णन बोल उठा, लेकिन मालिक की बात सही थी। मालिक का लॉजिक था कि अगर महाराज को पता चल गया कि राम नहीं है, तो उनके लिए तो वैकुंठ विला पर हमला बोलना ईजी हो जाएगा। राम की गैर हाजिरी में वैकुंठ विला को कृष्णन की जरूरत थी। ठीक है, राम की खबर मिलते ही मुझ तक पहुंचाना, कहते हुए कृष्णन खड़ा होकर वापस जाने लगा। तो अचानक ही कुटिया के बाहर उसने नंबूदिरी के 2000 लोग इकट्ठा हुए देखे। सबसे आगे खड़ी थी दुर्गा। आपको अकेले नहीं लड़ने देंगे, राम के हम सब पर काफी एहसान, हम भी साथ चलेंगे, दुर्गा ने कहा। और नंबूदिरी के लोग चीख उठे। उसके बेटे ने यहां कितनी इज्जत कमाई थी वो देखकर कृष्णन का दिल भर आया। पर राम था कहां? फेफड़ों में हो रही बेहद पीड़ा के साथ राम ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर पर कोई घाव तो नहीं थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके फेफड़ों को स्क्वीज कर रहा। राम जमीन पर उल्टा पड़ा हुआ था। उसकी जेब में रखा हरी उसके सीने की चमड़ी से चिपक रहा था। राम ने आंखें ऊपर की तो अपने सामने जादुई नीले तालाब को पाया। फिर धीरे धीरे राम को रियलाइज हुआ, राम अपने आप ही किसी तरह रहस्यमय गुफा में पहुंच गया था। कैसे और किस तरह, वो राम को पता ही नहीं था। 2 महीनों में निर्वाण शक्ति की आखिरी परत कैसे पार कर ली? अचानक ही किसी ने चौंक के राम के पीछे से कहा। राम के फेफड़ों का दर्द कम ही नहीं हो रहा था, फिर भी वो मुड़ा और खुद को महाराज पेरुमल के सामने पाया। पेरुमल की हालत देखकर राम चौंक गया। वो महाराज कम और एक जंगली योद्धा ज्यादा लग रहा था। न जाने क्या हुआ, महाराज पेरुमल को देखकर जैसे किसी ने राम के फेफड़ों को छोड़ दिया हो, उस तरह राम ने गहरी सांस छोड़ी, उसके फेफड़ों का दर्द गायब हो गया और वो उठा। मैं यहां कैसे आया? राम अपना सर खुजला के बोलने लगा। वो तो नंबूदिरी में अपनी कुटिया में गुप्त त्रिकुटी प्रैक्टिस कर रहा था, क्या वो सपना देख रहा था? जवाब में महाराज पेरुमल अचानक मुस्कुराए। पागल लड़के, खड़े होकर देखो, समझ जाओगे। महाराज की ये बात राम को समझ नहीं आई, पर वो खड़ा हुआ। जैसे ही राम खड़ा हुआ, उसके शरीर के आसपास एक अद्भुत रोशनी चमक उठी। राम का ऑरा दिव्य था,
राम ने फटी आंखों से देखा कि सामने महाराज पेरुमल कौरा भी उतना ही दिव्य था। इसे कहते हैं निर्वाण शक्ति की आखिरी परत। बधाई हो, तुमने हासिल कर ली है, पेरुमल ने कहा। राम के दिमाग में हजारों प्रश्नों ने मारा मारी शुरू कर दी थी। बिना पूछे ही पेरुमल ने सामने से जवाब दे दिया। सच तो ये था कि गुप्त त्रिकुटी बेहद शक्तिशाली कला थी। राम ने आखिरी 15 दिनों में दिन रात इस कला की प्रैक्टिस की थी। उसके शरीर की 3 मुख्य नाड़ियां इडा, पिंगला और सुषुम्ना तुरंत खुल गई थी। उसका झटका इतना ज्यादा था कि राम के पास अगर हरि नहीं होता तो शायद राम का शरीर ब्लास्ट हो जाता। क्योंकि तुम्हारे पास अमृत पत्थर है, उस अमृत पत्थर ने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें अपने घर ले आया, पेरुमल ने राम को कहा। राम ने पेरुमल को पहली बार योद्धा के रूप में देखा था और राम इंप्रेस हो गया था। एक बात बताओ, तुमने मेरी बहन से जबरदस्ती क्यों की? राम ये तो कभी नहीं भूल सकता था। ये बोलते हुए ही राम का खून खौल उठा। उसे लगा कि अभी के अभी इस पेरुमल को चीर डाले। ये सुनकर पेरुमल की आंखें अचानक झुक गई। सच तो ये था कि पेरुमल इतने दिनों में सुधरने लगा था। जिस दिन मैंने तुम्हारे पास से अमृत पत्थर छीना था, उस दिन से मैं बर्बाद होता गया, पेरुमल ने राम को पूरी कहानी बता दी। हाँ, महाराज पेरुमल हवसखोर तो पहले से था, लेकिन कभी भी इस तरह रिस्पेक्टेबल लड़कियों को परेशान नहीं करता था। अमृत पत्थर की हाजिरी से उसका दिमाग खराब हो गया था। राम को यकीन नहीं हुआ कि हरि किसी को बर्बाद भी कर सकता था। लेकिन राम, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। विजय वैकुंठ विला पे हमला करने वाला होगा। पेरुमल विजय की नस नस से वाकिफ था, क्योंकि वैकुंठ विला में अपने कमरे में बैठे भास्कर ने दूर से शाही सेना को आते देखा। ये जंग सिर्फ राम और महाराज पेरुमल के बीच होने वाली थी, लेकिन अब लग रहा था कि बाकी राजशेखरों के सर पर भी मौत मंडरा रही थी। वैकुंठ विला में हल्ला हो गया। बलराम नरसिंह और उदयन को बोल के अपने बैग्स पैक करने लगा। राम की लड़ाई हम क्यों लड़े? कृष्ण भी तो अभी तक नहीं आया, बलराम बोल उठा। अप्पा, जब शाही परिवार सबका खात्मा कर देगा तो राजशेखर की नस्ल आगे बढ़ाने के लिए कोई तो चाहिए। मैं अपने बेटों को लेकर भाग रहा। बलराम की ये बात सुनकर कार्तिक और भास्कर दोनों दंग रह गए। राजशेखर! विजय की लीडरशिप के अंदर शाही परिवार वैकुंठ विला के दरवाजे तक पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद विजय ने दूर से भास्कर और कार्तिक को अपने घोड़ों पर अपनी 500 की सेना के साथ आते देखा तो हंस पड़ा। सिर्फ ये दो ही बचे थे, बाकी राजशेखर भाग गए थे। 3 की गिनती पे सबसे पहले इन दोनों का खात्मा करो, बाकी लल्लुओं को वैसे ही निपटा देंगे, विजय ने अपनी स्ट्रेटेजी अपने सेनापति को सुनाई। 3, 2, 1, हमला! कहते हुए विजय ने चिल्लाया और अचानक ही 3,000 की सेना कार्तिक और भास्कर की 500 की सेना की ओर भागने लगी। भास्कर और कार्तिक के चेहरे पर डर छाया हुआ था। मैं मर जाऊं तो तुम राजशेखर परिवार के मुखिया बनोगे कार्तिक, भास्कर ने डेस्परेटली कहा तो कार्तिक बोल उठा, मैं आपको यूं मरने नहीं दूंगा अप्पा। ये कहते हुए वो अपने हड्डी चूर मुक्कों से विजय की सेना का एक एक करके सामना करता गया। भास्कर भी ढीला योद्धा नहीं था, सिर्फ थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस था। अचानक ही एक सिपाही एक भाले के साथ भास्कर को मारने आ रहा था, तभी किसी ने करारी लात मार के उस सिपाही को अपने घोड़े से नीचे गिरा दिया। भास्कर और कार्तिक ने देखा कि वो लात कृष्णन की थी और कृष्णन के साथ थी 2,000 लोगों की नंबूदिरी सेना। मार डालो! दुर्गा चीखी और नंबूदिरी और विजय की सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। यहां से कैसे निकलें? ये पत्थर तो हट ही नहीं रहा। पसीने से लथपथ हो चुका राम बहुत ही टेंशन में आ गया। वो और पेरुमल रहस्यमय गुफा के बंद मुंह को खोलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वैसे तो इस रहस्यमय गुफा का पत्थर राम को सेंस कर अपने आप ही खुल जाता था, लेकिन न जाने उसके बाहर विजय क्या रख कर गया था कि रहस्यमय गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया था। क्या हम गायब होके सीधा वैकुंठ विला नहीं पहुंच सकते? राम ने पेरुमल से कहा। आखिर दोनों योद्धाओं ने निर्वाण शक्ति की आखिरी परत पार की हुई थी। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, अमृत पत्थर ही वो चमत्कार कर सकता है, पेरुमल ने कहा। राम ने अपने हाथ में हरि को लिया और कहा, हरि, हमारा वैकुंठ विला पहुंचना बहुत जरूरी है। जैसे तुम मुझे यहां लाए वैसे ही हमें वैकुंठ विला पहुंचा दो। राम ने हरि को ऑर्डर तो दिया पर हरि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरे ही पल हरि चमकना बंद हो गया। राम का दिमाग घूम गया, पेरुमल भी बौखला गया।
ऐसे टाइम पे हरि की शक्तियां फीकी क्यों पड़ गई? अब वो दोनों यहां से निकले कैसे? दूसरी ओर युद्ध पीक पर था। विजय सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कृष्णन राजशेखर कहीं से 2000 की सेना उठाकर लाएगा। उसकी सारी कैलकुलेशन पर पानी फिर गया था। एक काम करो, अब पहले कृष्णन का सर काटो, फिर कार्तिक और भास्कर का। विजय ने डेस्परेटली अपने सेनापति को ऑर्डर्स दी। उसी समय कृष्णन किसी सिपाही को मार के मुड़ा तो देखा कि 5 सिपाहियों ने उसे घेर लिया था। अचानक एक सिपाही ने कृष्णन के सर को धड़ से अलग करने के लिए भाला फेंका। कृष्णन डक कर गया, लेकिन अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। कृष्णन ने मुड़ के देखा तो भाला कार्तिक के सीने के आर पार निकल गया था और कार्तिक राजशेखर ऑन द स्पॉट मर गया था। कार्तिक भैया, चीखते हुए कृष्णन उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन विजय के सिपाहियों ने उसे घेर लिया था। कार्तिक को मरते देख भास्कर अपने घोड़े से नीचे कूद पड़ा और पागलों की तरह उसकी तरफ आने लगा। अप्पा नहीं, कृष्णन उसे बोलने गया, लेकिन तब तक भास्कर को किसी ने पीछे से एक बड़ा पत्थर दे मारा। भास्कर का सर फट गया और वो वहीं बेहोश हो गया। मेरे पास एक उपाय है हरि को जागृत करने का। अचानक ही राम को स्ट्राइक हुआ। उसने तुरंत एक नुकीले पत्थर पर खुद के हाथ को मारकर खून निकाला और नीले तालाब में डाला। तालाब लाल रंग का होकर उबलने लगा। जैसे ही तालाब लाल रंग का हुआ, राम ने हरि को उस तालाब में डाल दिया। क्या कर रहे हो, अमृत पत्थर गायब हो जाएगा, पेरुमल बोल उठा, लेकिन तब तक राम ने हरि को तालाब में डाल दिया था। कई मिनटों तक कुछ भी नहीं हुआ। राम अपना सर पकड़ के बैठ गया। हरि, हरि कहते हुए लाल तालाब को देखकर चीखने लगा। अप्पा कहते हुए कृष्णन सिपाहियों के समूह के बीच से बड़ी छलांग लगाकर बेहोश हुए भास्कर के पास गया। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन सर से बेहद खून निकल रहा था। तभी उसने बलराम को पीछे के दरवाजे से भागते देखा। बलराम, अप्पा को लेकर जाओ, बलराम। बलराम, नरसिंह और उदयन तीनों रुके। वो लोग काफी दूर थे, लेकिन भास्कर की हालत देख रहे। कृष्णन को लगा कि बलराम अपने पिता को तो मरता छोड़ के नहीं जाएगा। नरसिंह और उदयन दोनों भास्कर की मदद करने आगे आए, लेकिन बलराम ने दोनों को रोक लिया। भागो बेवकूफो, कहते हुए नरसिंह और उदयन की इच्छा के विरुद्ध उन दोनों को बलराम दूर भगा कर ले गया। कृष्णन का दिमाग घूम गया। अचानक ही उसके आसपास सन्नाटा छा गया। ये क्या हुआ था? क्या युद्ध अचानक बंद हो गया था? कृष्णन पीछे मुड़ा तो महाराज विजय मुस्कुराते हुए उसके सर पर खड़ा था। उसके हाथ में पॉइंट ब्लैंक रेंज पे था एक जहरीला तीर। एक ही वार में तू और तेरा बाप दोनों मर जाएंगे, ये कहकर विजय ने वो तीर कृष्णन के सर पर ताना। उसी समय अचानक ही लाल तालाब के तलवे पर कुछ चमका। पेरुमल और राम की जान में जान आई। दूसरे ही पल शक्ति से भरपूर हरि उछलकर राम के हाथ में आया। वो पागलों की तरह चमक रहा था। उसकी शक्तियां वापस आ गई थी। पेरुमल कहते हुए राम ने पेरुमल का हाथ पकड़ा और अगले ही पल में राम और पेरुमल उस गुफा से गायब हो गए। क्या राम वैकुंठ विला टाइम पर पहुंच पाएगा, या फिर यहां आकर वो अपने पिता को मरा हुआ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।